तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेस की, जो कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस पे अभी के लिए लगती है। और अभी ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है, बट ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है जिसमें हम टैक्सेस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। और मैं अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा कि मैं कैसे अपने टैक्सेस को फाइल करता हूँ एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। और इसी के साथ दोस्तों, जो नवंबर 28 और 29 से विंटर सेशन स्टार्ट होगा पार्लियामेंट में, उसमें आई गेस इन्वेस्टर्स को कुछ क्लैरिटी मिलेगा रिलेटेड टू टैक्सेस ऑफ दिस काइंड्स ऑफ अनरेगुलेटेड एसेट्स। तो जब तक वो नहीं आ जाती, अगर आप अपने टैक्सेस फाइल करना चाहते हो, तो ब्रॉडली कितने टाइप्स के कैटेगरीज है, उन बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की डेट में मोर और लेस अराउंड 10 मिलियन यूजर्स है जो कि क्रिप्टो करेंसीज को एक्टिवली होल्ड करते हैं, या फिर कुछ तरीके के फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसीज में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये नंबर कुछ 10-15 मिलियन और यूजर्स है, और इनमें से कुछ 1-2 मिलियन यूजर जो है वो एक्टिव ट्रेडर्स है, यानी कि वो लोग जो कि हर रोज अपना कुछ ना कुछ क्रिप्टो का बाई और सेल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट इट्स अ वेरी वोलेटाइल मार्केट। स्टॉक मार्केट्स के जैसा नहीं है कि हर रोज मतलब वो 1-1.5% से ऊपर नीचे होता है। इट कैन गो अप बाई मल्टीपल टाइम्स, लाइक 2x 3x रिटर्न्स इन अ सिंगल ईयर, और मे बी इवन मोर। और जब बुल मार्केट खत्म होता है, जब बेयर मार्केट आता है, तो उस टाइम पे मार्केट करेक्शन भी उसी हद से लेता है। तो एक ऐसा सॉर्ट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम जो कि आपके लिए यूजफुल हो, दैट नीड्स टू बी सॉल्व बाई द पार्लियामेंट। दोस्तों, इंडिया में अभी टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस एग्जिस्ट करती है। वन ऑफ देम इज अ डायरेक्ट टैक्स जो कि लोग फाइल करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, और एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि है GST, जो कि हर एक सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पे इम्पोज की जाती है। जब भी आप कोई भी नया सर्विस अवेल करते हो, या फिर आप कोई भी नया गुड्स परचेस करते हो, तो उस पर आपको GST देना पड़ता है। अब दोस्तों, जो डायरेक्ट टैक्सेस है, उसमें भी ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ इंडियंस ऐसे हैं जो इन टाइप्स के टैक्सेस को फाइल करते हैं, यानी कि इतने ही लोग हैं हमारे देश में आउट ऑफ 130 करोड़ जो कि डायरेक्ट इनकम टैक्सेस पे करती है। अब दोस्तों, डायरेक्ट इनकम टैक्स में भी 5 टाइप्स के इनकम को क्लासिफाई करा गया है, जिनमें से एक है सैलरी, एक है हाउस प्रॉपर्टी, एक है बिजनेस कैपिटल गेन्स, और एक और है अदर टाइप्स ऑफ इनकम सोर्सेस। अभी के लिए एज ऑफ नाउ देयर इजंट समथिंग कैटेगरी जिसको हम क्रिप्टो को स्पेसिफिकली उसमें डाल सके, तो इनको हमने वेरियस टाइप्स में डिवाइड करा है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, एज ऑलवेज अ डिस्क्लेमर, ये मेरे खुद के ओपिनियंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गेन्स की। कैपिटल गेन्स तब की जाती है जब भी आप कोई एसेट को बाई करते हो, और जब आप उसको लेटर एट अ स्टेज सेल ऑफ करते हो विद अ प्रॉफिट, तो आपको उस कैपिटल पे जो आपको प्रॉफिट हुआ, जो उसका अप्रिशिएशन हुआ, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अब दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केट्स में जब भी आप कोई एसेट को आफ्टर 3 ईयर्स सेल करते हो, तो आपको उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट देखने को मिलता है। बट क्या हमको वो चीजें क्रिप्टो में भी मिलेगी? आई एम नॉट श्योर, बट अगर आप चाहो तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो बेसिकली आपका जो प्रॉफिट है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को देखना पड़ेगा कि आपने किस प्राइस में क्रिप्टो को बाई किया और आपने किस प्राइस पे सेल किया, और उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, दैट विल डिसाइड कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। अब दोस्तों, अगर आप इस प्रॉफिट का टेन्योर आपने लेस देन 3 ईयर्स में अपने प्रॉफिट बुक किया, तो वो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इम्पोज किया जाएगा, जिसका रेट वेरी करता है बेस्ड ऑन योर एनुअल इनकम। और अगर आपने उस 3 साल बाद सेल किया, तो उस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बट यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि अगर किसी ने क्रिप्टो को बाई ही नहीं किया, अगर किसी ने उसको माइन कराया, लेट्स से काफी लोग हैं जो कि इथेरियम को माइन करते हैं अपने घर पे, तो उनके लिए क्या ये कैपिटल गेन टैक्स सेंस बनाएगा? क्योंकि क्रिप्टो माइन करना बेसिकली उसको फ्री हम नहीं कह सकते, क्योंकि हार्डवेयर के अलग कॉस्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की अलग कॉस्टिंग होती है, तो फ्री तो वो नहीं है। बट क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है, तो क्या उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? तो ये जो टाइप के लोग हैं फॉर क्रिप्टो माइनर्स, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू बिजनेसेस। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए आप कैपिटल गेन्स के सेक्शन में जा सकते हो। अगर आप माइनिंग करते हो, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है फॉर बाइंग दी माइनिंग रिग्स और फॉर इलेक्ट्रिकल पावर्स, वो आपका कॉस्ट है फॉर रनिंग दी बिजनेस। और आप जितने भी प्रॉफिट कमाओगे बाई माइनिंग दैट क्रिप्टो करेंसी, उसको आप सिंपली एज अ प्रॉफिट शो कर सकते हो, और क्रिप्टो को एज एन इन्वेंट्री ट्रीट करके आप अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। अब दोस्तों, तीसरी कैटेगरी आती है अदर सोर्सेज की। तो अगर आपको किसी ने क्रिप्टो करेंसी में पे किया है फॉर योर सर्विसेज, राइट? तो लेट्स से आप किसी एक ऐसे कंपनी के लिए काम करते हो जो कि आपको क्रिप्टो में पे करती है, या फिर आप किसी एक ऐसे बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हो जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ काम करती है, तो अगर आपको पेमेंट्स क्रिप्टो में आती है, दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और आपको उसमें अकॉर्डिंगली टू योर टैक्स ब्रैकेट आपको उस पर टैक्सेस फाइल करनी चाहिए। टैक्स लॉ से मेरा मतलब है कि इंडिया में जो टू टैक्स रिजीम्स अभी एग्जिस्ट करती है, ओल्ड टैक्स रिजीम, एक है नया टैक्स रिजीम,
तो आप जिस ब्रैकेट में फिट करते हो यू कैन पे अकॉर्डिंग टू दैट। अब दोस्तों बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ये जितने भी कैटेगरीज थी लाइक कैपिटल गेन्स, बिजनेस और अदर सोर्सेज, ये होती है डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कब इम्पोज की जा सकती है लाइक जीएसटी। जब आपने एग्जाम्पल देखा होगा गोल्ड का, जब आप गोल्ड बाई करते हो यू नीड टू पे अ 3% फ्लैट जीएसटी, राइट। तो क्रिप्टो में ऐसा कुछ एक एज अ कमोडिटी अगर गवर्नमेंट इसको ट्रीट करती है, यू कैन बी मेड टू पे अ फ्लैट जीएसटी रेट ऑन द एक्सचेंज है जब भी आप क्रिप्टो बाई करोगे। अब दोस्तों ये जीएसटी का जो रेट है वो कितना डिसाइड किया जाएगा, दैट डिपेंड्स आफ्टर द रेगुलेशंस कम, क्योंकि अभी के लिए तो जीएसटी का कोई एज सच रेगुलेशन नहीं एग्जिस्ट करती है रिलेटेड टू क्रिप्टो। हाँ, अगर आप इनकम करते हो, अगर आपको कैपिटल गेन्स होती है, आपको डायरेक्ट टैक्सेस 100% फाइल करनी चाहिए, बट जीएसटी एज ऑफ नाउ एग्जिस्ट नहीं करती है। अब दोस्तों एंडिंग थॉट्स में यही रखूंगा इस वीडियो का कि अगर आप प्रॉफिट्स कर रहे हो यू शुड पे टैक्सेस ऑन योर क्रिप्टो करेंसी गेन्स एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। या टैक्सेस फाइल कर दो, जस्ट डोंट ट्राई टू हाइड इट फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि काफी सारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेस है टू एनालाइज योर नेट प्रॉफिट्स। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि प्राइवेट वॉलेट्स में कुछ फंड्स को स्टोर कर देते हैं एंड दे डोंट फाइल टैक्सेस ऑन दैट। जब क्लैरिटी आती है, जब रेगुलेशंस आती है, इट विल बी क्लैरिफाइड कि क्या हमें उन पे टैक्सेस देनी है या फिर हम जितना प्रॉफिट को INR में बुक करते हैं सिर्फ उन्हीं पे टैक्सेस देनी पड़ती है। सो ऑल दोस थिंग्स विल कम अप विद टाइम, बट एज ऑफ नाउ अगर आप INR में कुछ भी प्रॉफिट बुक करते हो जस्ट मेक श्योर यू पे टैक्सेस ऑन देम। तो यही रहेगा इस वीडियो के लिए। आई थिंक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था। आई होप यू लाइक्ड इट। अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय।